प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदी। कराची में डाकुओं ने लूटमार करने के लिए सीएनजी रिक्शों का सहारा ले लिया। शहर में रिक्शों में सवार होकर डकैतियां करने वाले 3 गिरोह सरगरम हैं, मगर पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। शहर कायद के बासी गुज़श्ता कई सालों से दहशत गर्दों के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। साल 2012 के पहले माह में इन्हें टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी के साथ डबल सवारी पर पाबंदी का सामना रहा, मगर हुक्काम पुलिस और रेंजर्स को हाई अलर्ट करने के दावे ही करते रहे। इसके बावजूद एक माह के दौरान टारगेट किलिंग से बच जाने वाले डाकुओं से ना बच सके। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में यौमिया 10 अफराद लूटमार के दौरान डाकुओं की गोलियों का निशाना बनते हैं और यहां पर रहने वाला शायद ही कोई शख्स डाकुओं से महफूज हो। पुलिस राय के मुताबिक शहर कायद में डाकुओं ने वारदातों का तरीकेकार तब्दील किया है। अब वो जराइम की वारदातों में सीएनजी रक्षों का इस्तेमाल करने लगे हैं और पुलिस सिर्फ दावे ही करती है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे हाथे चढ़ जाएंगे वो बचेंगे नहीं, फिर जैसे अगर कहीं मुकाबला हो जाता है तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सेव देमसेल्फ। लेकिन हम इफेक्टिवली हम अपने एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं और कोई गैंग अगर आती भी है इस तरह नज़र तो इस तरह हम विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट गैंग और उसको हम इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ गिरफ्तार करेंगे बल्कि कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। लेडीज़ हमारे साथ डर के मारे बैठती नहीं है और ख़ास तौर पर जिन रक्षों में दरवाजे लगे हुए हैं ना उसमें ज़्यादा वारदात होती है, क्योंकि वो यहाँ पर हमें रोक के साइड में आ गए थे और दिखा के रोक लेते हैं, फिर अंदर बैठ जाते हैं और फिर उसमें वारदात करके आराम से चले जाते हैं। तो ये दरवाजे नहीं होने चाहिए रक्षों के। मोबाइल खड़ी हुई होती है 5 मिनट के फासले पर, सही ना, यहाँ लड़के डकैतियाँ मार रहे होते हैं खड़े हुए। पुलिस का कहना है कि चंद रोज के दौरान लूटमार और डकैतियों की मुतादित वारदातों में मुलविस 20 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी मैंने 15-20 डाकू हमने इस हफ्ते में जो हमारी कंपेन चल रही है आजी साहब की तरफ से वो इफेक्टिवली हम रेड भी कंडक्ट कर रहे हैं और ऐसे जो समाज दुश्मन अनासर हैं उनको हम एप्रीहेंड करते हैं और उनको एज पर ला वी यू नो टेक एक्शन अगेंस्ट देम। और जिसमें काफ़ी भी हमने रिकवरियाँ भी की हैं, मोबाइल फ़ोन स्नैच थे और कुछ लोगों की जो है कुछ गड़ियाँ शड़ियाँ भी, कुछ कैश भी रिकवर होती रही है और इसके अलावा जो है कुछ स्ट्रीट क्राइम के असला भी नाजायज़ उनसे पकड़ा गया है और कुछ ऐसे हमने पकड़े हैं जिनके पास नाजायज़ वो जो है किस्म के जो ड्रग्स वगैरह भी मिली हैं। कराची के जराइम पेशा अफराद पुराना अंदाज बदल कर यहाँ के शहरियों को रक्षों में आकर लूटने लगे हैं, जिन्हें पकड़ना यहाँ की पुलिस के लिए एक चैलेंज तो है मगर इनकी गिरफ्तारी कोई मुश्किल काम नहीं। कैमरामैन मुदस्सिर हसन के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर मीरपुर खास में कत्ल और इकदाम कत्ल के अलावा राहजनी और गाड़ियां छीनने में मुलविस 2,459 मुलजिमान को गिरफ्तार करने और 9 गिरोहों का नेटवर्क तोड़ने का दावा किया गया था। इसके बावजूद 6 नामालूम मुसल्ला अफराद एक समाजी रहनुमा के अहले खाना को यरगमाल बनाकर करोड़ों रुपए नकदी और सोना लूट कर फरार हो गए। गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर मीरपुर खास पुलिस की जानिब से कत्ल और इकदाम कत्ल के अलावा रहजनी और गाड़ियां छीनने के 2,459 मुलजमान को गिरफ्तार करने और 9 गिरोहों का नेटवर्क तोड़ने का दावा सामने आया था। इसके बावजूद डकैतियों और भत्ताखोरी के वाकयात में कमी वाकई न हो सकी। गुज़िश्ता दिनों बुखारीपाड़े में मारूफ समाजी रहनुमा जाहिदा डेथो के घर 6 नामालूम मुसल्ला अफराद अहले खाना को यरगमाल बनाकर करोड़ों रुपए नकदी और सोना लूटकर फरार हो गए। मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर शहरी सरापा एहतजाज है। ये तो हम लोग सो रहे थे, रात का 3 बजे का टाइम था, 6 लोग एकदम से अंदर चले आए तो मैं एकदम से उठ गई क्योंकि मैं वहीं पे जो है वो सो रही थी। तो हम सबको वहाँ कमरे में होस्टेज किया उन्होंने ना, फिर वहाँ पे हमारे दूसरे कमरे में जो है वो उन्होंने पूरी क्लीन अप किया, सारी चीज़ें जो भी थी हमारी, गोल्ड कैश जो भी था। कोई कहीं भी महफूज नहीं है, न कोई रोड पे महफूज है, न कोई घर में महफूज है। हर रोज चोरी होती है, लोग अगवा होते हैं, मर्डर होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है।
ये नाअहल इंतजामिया को हटाया जाए, ये सिफारिशी जो पुलिस अफसरान है उनको हटाया जाए। बात डकैतियों पर ही खत्म नहीं हो जाती बल्कि भत्ताखोरी की पर्चियों के अजाब ने भी शहरियों की नींदें उड़ा दी हैं। भत्ता न देने की सूरत में उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ता है। मुझे आने के बाद कहने लगे जी हमें जो है 50,000 रुपये दें, तो कल शाम को आपको देने वरना आपके बच्चों को हम किडनैप कर लेंगे या मार देंगे। उसके बाद मैंने इंतजामिया से नॉलेज में लाया, इंतजामिया नॉलेज में लाने के बाद उन्होंने मेरे वाई फायरिंग की स्टेट फायरिंग, और उसके बाद फ़ोन किया पर धमकी दी कि आप तुमने इंतजामिया को बता दो तुम बचना और तुमको देख लेंगे। इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही है, इसमें क्या कर सकता हूँ, करीब हम स्थिति रहेगी हम किसके पास जाएँ, इंतजामिया हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। आज आया 4 बजे करीब, बोला 10,000-15,000 रुपये दो 15 दिन में 20 दिन में। हमने बोला भाई हम तो नहीं देंगे, हमने उसको मना कर दिया, तो वो बोला फिर तुम खुद जवाबदार हो। शहरी कहते हैं कि शहर के तमाम रास्तों पर पुलिस चेक पोस्टों की मौजूदगी के बावजूद जराइम पेशा अनासिर का बआसानी फरार हो जाना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में संजीदा नहीं, हत्या के जराइम पेशा अनासिर की फायरिंग से हलाक होने वाले पुलिस एहलकार के कातिल भी गिरफ्तार नहीं हो सके, जबकि पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका हल तो अब क्या कहें, जब जो हमारे महाफिज हैं वो हमें कितना तहफ़ दे रहे हैं, अभी भी ये वाकया हो गया तो उसके बाद भी पुलिस कितनी पहुंची, क्या कार्रवाई हुई है, सब चीज़ सामने रखते हुए तो फिर हम सब मेरा ख्याल है मजबूर हो जाएंगे कि फिर हम खुद हथियार उठाएं और फिर आगे जो होगा अल्लाह मालिक। पूरी हम कोशिश करें और उसके लिए कुछ लोगों के नाम मिले हैं वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। नहीं, एक क्राइम तो होता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतने बड़े शहर में छोटा मोटा क्राइम हो जाता है। क्राइम तो अपनी जगह हुआ है, लेकिन उसको ट्रेस करना और उनको डिटेक्ट करना ये हमारा काम है, तो उसको इंशाल्लाह ताला विद इन 24 आवर्स में कर लेंगे। पुलिस की गैर तसल्लीबख्श कारकर्दगी के सबब शहरियों में शदीद इश्ताल पाया जाता है। उनका कहना है कि पुलिस अपनी सफों में छुपे आयस्तीन के सांप तलाश करने के साथ तमाम मसलहतों को बालाताक रखते हुए जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे। सरापा एहतजाज बने शहरियों ने मुतालबा किया है कि पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे ताकि वो खौफ के बगैर अपना कारोबार जारी रख सकें। मोहम्मद रजा खान, समा, मीरपुर खास। सिंध के बड़े बड़े शहरों में जहां महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं, वहां डाकुओं के हाथों कारोबारी अफराद भी मसाइल का शिकार हैं। इसके बावजूद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने फराइज की अदायगी से बेखबर दिखाई देते हैं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर इस सिलसिले में आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है csfsama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।